guys, welcome back to my channel Yum Your Face. And if you are new here, I am Deepika. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ a one brand tutorial. And इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं Wet n Wild ब्रांड के. So चलिए जल्दी से देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है. एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. सो गर्ल्स, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये कवर ऑल अप प्राइमर. एंड ये प्राइमर कम मॉइस्चराइजर है बिकॉज बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका. सो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ एंड फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ठीक है इसकी. सो ये प्राइमर एंड मॉइस्चराइजिंग दोनों का काम करेगा. बहुत ही अच्छे से फेस मॉइस्चराइज हो गया है. एंड काफी सॉफ्ट भी है ये. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वेल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड क्लासिक बीज. मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा है. काफ़ी ड्राई साइड है इस फाउंडेशन का. लाइक अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको पहले मॉइस्चराइजर या प्राइमर बहुत अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये फाउंडेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. ट्रस्ट मी गाइज, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो चलिए मैं इसे हल्का हल्का अप्लाई कर लेती हूँ. मैं ब्रश यूज़ करी ब्लेंडिंग के लिए. काफी ड्राई है ये फाउंडेशन. अब मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड मीडियम. एंड ये भी काफी ड्राई इफेक्ट देता है. सो काफी ड्राई है ये भी. एक आप देख सकते हैं अप्लाई करने में ही ड्राई लग रहा है. ब्रश ही यूज करना पड़ेगा ब्लेंड करने के लिए. बिकॉज आप देख सकते हैं काफी ड्राई साइड है इसका. ब्लेंड बहुत जल्दी से नहीं होता है, उस बात का आप ध्यान रखें लेने से पहले. फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं साथ में. सो गर्ल्स, कंसीलर के बाद कॉम्पैक्ट की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही है अभी. मुझे ऑलरेडी बहुत ड्राई लग रहा है बट लेकिन फिर भी जो मेरे पास कॉम्पैक्ट है उसका रिव्यू करने के लिए, डेमो के लिए मैं आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करके दिखाती हूँ. सो ये इस टाइप से कॉम्पैक्ट आएगा एंड इसमें मेरा शेड है वार्म बेज, प्रेस्ड पाउडर है. सो मैं इसे ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ. एंड बहुत ही ड्राई साइड है फाउंडेशन एंड कंसीलर. सो अगर आप पाउडर स्किप भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं. बिकॉज नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये काजल एंड ये है कोल लाइनर पेंसिल प्रिटी इन मिंक एंड दिस इज इन द शेड आई गेस ब्राउन शेड है ये. सो इसी से मैं अपनी आईब्रोज फिल करने वाली हूँ बहुत ही हल्के हाथों से. फिर से थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करूंगी अपनी आईब्रोज को क्लीन करने के लिए. अपनी थोड़ी सी आईलिड पर एज अ आई शेडो बेस भी अप्लाई कर लूंगी एंड फिर मैं इसे स्मच कर लूंगी अच्छे से इसी ब्रश से. Thank you.
के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट इन द शेड E344B. सो इसमें ऑलरेडी सारे चीज़ दे रखी है, लाइक व्हाट इज़ ट्रांजिशन कलर, क्रीज कलर, ब्राउ बोन कलर, आईलेट कलर. सो मैं उसे ही फॉलो करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं पिक करूँगी ट्रांजिशन कलर, दैट मीन्स ये वाला कलर. एंड इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है गाइस. पिगमेंटेड बहुत अच्छे से है ये कलर्स. गर्ल्स अब मैं इसमें से पिक कर रही हूँ ये क्रीज कलर, जो थोड़ा सा डार्क कलर है. सो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाला है क्योंकि मैं कट क्रीज ड्रॉ करने वाली हूँ. सो गर्ल्स अब मैं फिर से फाउंडेशन ले रही हूँ बिकॉज कंसीलर बहुत ज़्यादा ड्राई है इसका. सो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अपने हैंड पर निकालूंगी एंड आप देख सकते हैं कि पहले का जो फाउंडेशन था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है. सो मैंने फिर से थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है एंड इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कट क्रीज ड्रॉ करूँगी. बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इसलिए मैं सबसे पहले ये आईलिड कलर जल्दी से अप्लाई कर लूंगी. बिकॉज नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड मेघा लाइनर एंड इसमें मेरा शेड है ब्लैक. गर्ल्स मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की काजल एंड इसे मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी. ये ब्राउन बोन शेड में अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी. Thank you.
करी हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये मेगा प्रोटीन मस्कारा। लास्ट में यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का ऑम्ब्रे ब्लश एंड ये मैंने परचेज किया, फिर मुझे पता चला कि इसका बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही पाउडरी है, पता नहीं किस हिसाब से इसे ब्लश का नाम दिया है। सो मैं इसे फिर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। बहुत सारा पिक किया है एंड यू कैन सी कुछ पिगमेंटेशन ही नहीं है इस ब्लश का। तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ इसे बिल्कुल भी बाय मत करना, बहुत ही बेकार सा है ये। सो गाइज ये था मेरा आज का वेट एंड वाइल्ड वन ब्रांड ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको जस्ट वो सब्सक्राइब बटन को हिट करना है एंड उसी के पास जो एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना है ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। सो चलिए गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।